विश्व के प्रथम ग्रंथ रामायण की प्रथम कविता का श्रेय सारस पक्षी को जाता है। रामायण का आरंभ एक प्रणयरत सारस युगल के वर्णन से होता है। प्रातःकाल की बेला में महर्षि वाल्मीकि इसके दृष्टा हैं। तभी एक आखेटक द्वारा इस जोड़े में से एक की हत्या कर दी जाती है। जोड़े का दूसरा पक्षी इसके वियोग में प्राण दे देता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी सारस की बात कर रहे हैं जो आरिफ और सारस की दोस्ती का वर्णन करता है। हम आपको बताते चलें कि सारस का वर्णन रामायण में प्रथम कविता से होता है। दोस्तों आपको बताते चलें कि हमारा राजकीय पक्षी होने से पहले इसका जिक्र रामायण ग्रंथ में हो चुका है। सारस पक्षी का औसतन भार 7 से 8 किलोग्राम तक होता है। सारस पक्षी की लंबाई 5 से 6 फीट के बीच होती है। सारस के पंखों का जो फैलाव है ये 8 से 10 फीट तक होता है। आपको बताते चलें कि सारस सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। दोस्तों रामायण में ये बातें लिखी गई हैं कि सारस पक्षी को जिसने भी उनके दोस्त से अलग किया है उसका सर्वदा सर्वनाश ही हुआ है। आपको बता दें यह किंवदंती जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। एक दिन सुबह गंगा के पास बहने वाली तमसा नदी के एक अत्यंत निर्मल जल वाले तीर्थ पर मुनि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ स्नान के लिए गए। वहाँ नदी के किनारे पेड़ पर सारस पक्षी का एक जोड़ा अपने में मग्न था। तभी व्याध ने इस जोड़े में नर सारस को अपने बाण से मार गिराया। रोती हुई मादा सारस भयानक विलाप करने लगी। इस हृदय विदारक घटना को देखकर वाल्मीकि का हृदय इतना द्रवित हुआ कि उनके मुख से अचानक श्लोक फूट पड़ा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, तुझे कभी भी शांति न मिले क्योंकि तूने इस सारस के जोड़े में से एक को बिना किसी अपराध के ही मार डाला। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।